क्षेत्र में स्पेशल गिरदावरी कराने की मांग। खेतों से पानी निकासी की मांग को लेकर एसडीएम से मिले ग्रामीण। क्षेत्र में हुई बारिश के चलते विभिन्न गांवों के खेतों में जल भराव की समस्या बनी हुई है। पानी निकासी की मांग को लेकर विभिन्न गांवों के किसान एसडीएम कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल के नेतृत्व में एकत्रित हुए। खेतों से पानी निकासी की मांग की। एसडीएम ने पानी निकासी कराने के लिए सिंचाई विभाग के एक्शन को निर्देश दिए। सत्यवान नरवाल, संदीप मलिक, बरोदा टूटान के पूर्व सरपंच विजय खासा, शीशपाल मोर आदि ने कहा कि क्षेत्र में पिछले दो सप्ताह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से खेतों में जल भराव की समस्या बनी हुई है। गांव रुखी, छिचड़ाना, बरोदा मोर, बरोदा टूटान, लाठजोली, ककाना, रुखी, भैंसवान, छपरा, कथूरा, भंडेरी, आहुलाना आदि गाँव के खेतों में जल भराव से फसल खराब होने के कगार पर है। खेतों से समय पर पानी निकासी नहीं हुई तो फसल खराब हो जाएगी। किसानों ने खेतों व गांव से पानी निकासी की मांग की। इसके अलावा क्षेत्र के सभी गांव के खेतों की स्पेशल गिरदावरी कराने की मांग की। अधिकतर फसल खराब हो चुकी है। प्रति एकड़ 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए। गांव बरोदा मोर में तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं। पानी गलियों में भरा हुआ है। गाँव की अनुसूचित कॉलोनियों में पानी घरों में भरा हुआ है। देखिए, हरियाणा प्रदेश में समस्या है। अनेकों क्षेत्रों में बेमौसमी बारिश होने से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। हमारी मांग है कि सरकार से तुरंत स्पेशल गिरदावरी के आदेश करें। और बहुत से गोहाना तहसील के गांव ऐसे हैं जिनके घरों में पानी घुस गया है, पानी की निकासी कोई व्यवस्था नहीं है, कि तुरंत उन पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए और स्पेशल गिरदावरी के आदेश किया जाए। बार बार फसलें बर्बाद होने से किसानों की आर्थिक रूप से रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। उनको जिंदा रखने के लिए उनकी आर्थिक मदद बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार से तुरंत स्पेशल गिरदावरी का आदेश करें। तो मुआवजा की मांग? बिल्कुल, मुआवजा पीछे का भी खरीफ की फसलें खराब हो चुकी थी, उसका भी कोई मुआवजा नहीं मिला है, ना इनका मुआवजा मिला है। बार बार फसल खराब होने से किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। हमारी मांग है कि कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ तुरंत मुआवजा प्रदान करे सरकार। ये बहुत सारे एरिया अंदाज भी धान की फसल जो की त्यों खड़ी है, ना तो उसका कुछ मिला। रही दूसरी बात, जहाँ मरपड़ का हमने धान कटाए थे, धान कम की हुई, लागत फालतू लागी, उनमें अभी क्यों नहीं बुए, और फिर भी अगर कहीं क्यों बुए हैं तो आज क्यों बिल्कुल खत्म होने लग रहे हैं। हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। पहले भी सरकार ने गिरदावरी करवाई है, ना तो हमको नू बताएगा भाई कितनी तरी गिरदावरी करी, कितनी निकरी गई, और ना उनको कोई पैसा मिला है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी सुनवाई की जाए, और जो हमारी फसल खराब हो चुकी है उनका तो कुछ हुआ नहीं, जो आने वाली जो फसल है वह भी खराब होने लग रही है, उनके लिए जल्द से जल्द पंप सेट से जैसे बिजली का साधन है तेल मुहैया करवा के उनका पानी निकलवाया जाए और मुआवजा दिया जाए। कितनी एकड़ फसल खराब हो गई है आज? लगभग गोहाना तहसील के हजारों किले खराब होने लग रहे हैं जिनकी कोई देख रेख नहीं हो रही। पानी की इतनी बड़ी समस्या है, पूरे गाँव में पानी भरा है। बच्चों को ना जाने के लिए स्कूल का रास्ता और आने जाने का रास्ता ही बिल्कुल नहीं है। एसडीओ साहब से मिले, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया हमको, भाई तुम्हारा आज भेजेंगे एसडीओ को, जेई को, और उन्होंने कहा जल्दी का समाधान। रास्ते में खड़ा गांव के? गांव के सारे रास्तों में खड़े, एक में नहीं, शमशान घाट में पानी खड़ा है, गलिया में एक दो बस्ती, रिजन बस्ती, धानक और हमारे चुमारा की, उन्होंने बिल्कुल पानी अंदर घुसरिया है, वहाँ निकल जाने। बीमारी का भी बहुत बड़ा भय है कि 10 दिन के बाद बीमारी वहाँ इतनी आ जाएगी। ये किस चीज़ का पानी आ रहा है? ये पानी जी बारिश का भी पानी आ रहा है, और फ्लो तालाब हो रहे हैं, उनमें निकलने की निकासी नहीं है। क्या नाम है सर? अपना शंपल। ये सब कुछ के साथ आए हुए हैं, हमारे गांव के अंदर लबालब सारे तालाब भरे हुए हैं और फ्लो होने के कारण सारी बस्तियों के अंदर पानी भरा हुआ है। यहाँ तक कि स्कूलों में भी जब कोई दुर्घटना घट जाती है या कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है तो उसको शमशान के लाने के लिए भी पानी के अंदर से चल के आना पड़ता है। पानी का निकासी का लिया नहीं है। दुष्यंत साहब भी आए थे डिप्टी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था इसको पानी निकासी के लिए, परंतु इसका स्थाई समाधान कोई भी नहीं हो पाया है, सरकार के द्वारा भी नहीं हो पाया है। हमने कई बार पंचायत से भी, हमारा पिछले फरवरी के अंदर जो पंचायत का था वो चार्ज ले लिया गया था, उसके बाद कोई पैसा नहीं है। पैसा हमारे पास पड़ा पंचायत के अंदर 1 करोड़ लगभग, परंतु वहाँ पे वीडियो कोई स्थाई नहीं है और ये काम करके खुश नहीं है। इसका स्थाई समाधान जब वहाँ पर बूस्टर नहीं बनेगा, इसका स्थाई समाधान नहीं होगा तो ये समस्या ऐसे ही रहेगी। ऐसा ही हाल खेतों का है, खेतों में भी पानी भरा हुआ है, फसलें खराब होती हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम तिलकराज है।
की गलियों में सभी गलियों में 2-2.5-3 फुट तक पानी खड़ा है और पिछले 20 दिन से है। जब सर्दी में ये हाल है तो मौसम क्या हाल होगा, निकासी का कोई साधन है नहीं, तो परेशान होते हुए तब यहाँ तक आए हैं। दिया है उन्होंने अग भाई समाधान करेंगे, लेकिन समाधान होगा तब फायदा होगा। घर से निकलते ही पानी निकलना पड़ता है। किस चीज का पानी है ये? बारिश का पानी है, तालाब ओवर फ्लो हो गया ना, बारिश बहुत ज्यादा हुई, निकासी कहीं है नहीं। पिछले दिनों डिप्टी भी आश्वासन तब वहाँ शमशान भूमि तक भी पानी में निकलना पड़ता है। अब भी पूरे गांव में ये सिस्टम है। हम तो अपनी कॉलोनी में परेशान हो रहे हैं, खेतों में दाने ले पानी के अंदर से जाना पड़ता है। क्या नाम है? करतार सिंह। एसडीएम से मिले हो? से मिले हैं। जो हमारा पानी चिट रहा है, फसल खराब हो रही है बिल्कुल, धान भी जो के तो खड़े हैं, जैसे धान की भी कटाई नहीं हुई पूरी, और अब गेहूँ जो बुए थे गेहूँ भी मान लो खराब ही हो रहे हैं। हमारे गांव में रुखी में हमारा गाँव आंड है, दोनों गाँव में 500 किलो के करीब गेहूँ खराब हो रहे हैं। क्या नाम आपका? जगवीर नाम। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मांग तो मुआवजा ही कर रहे हैं, और क्या मांग? मुआवजा मिल जाओ। गाँव के अंदर जल भराव ज़्यादा है, बारिश जो हुई है उसके अंदर, जैसे रूखी के अंदर, छिछड़ाना के अंदर, बरोदा के अंदर, इधर लाठ जोली के अंदर, तो एक्शन साहब से बात हुई है इरीगेशन डिपार्टमेंट में कि पंप सेट प्रोवाइड कराए जाएँ जल्दी से जल्दी, और आज शाम तक इन गाँव में पंप सेट लगवा दिए जाएंगे, और जो डिवाटरिंग का काम है जल निकासी का उसको सुचारू रूप से करवा दिया जाएगा। सर, जिस तरह से गिरदावरी कराकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं कुछ किसान, देखिए गिरदावरी के लिए ज्ञापन आया था, हम ज्ञापन को माननीय सीएम साहब के पास भिजवा देंगे, और वहाँ सरकार की तरफ से जैसे आदेश आएंगे उनका कंप्लायंस कर दिया जाएगा।